वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फन फॉर ब्लॉग्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ महीने पहले रेस्टोरेंट ओपन हुआ जिसका नाम है ग्रिल मास्टर। तो मैं उसकी लोकेशन आपको बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि वो कैसा है। और इस वीडियो को पूरी देखना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। सो मैं जिस जगह की बात कर रहा था वो ग्रिल मास्टर ये रहा। देखो कितना बढ़िया लिख रखा है, दी कॉफ़ी क्लब, बहुत ही बढ़िया यार, तनुश्री सर्विस। तो यहाँ पे भी कुछ छोटा सा मेन्यू दे रखा है, पिज़्ज़ा है, सैलड है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, शेक्स है, कॉफ़ी है। चलो आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आपको यहाँ का सेटअप दिखा देता हूँ, देखो क्या बात है, कितना खूबसूरत सेटअप है। एक बड़ी सी एलईडी लगी हुई है जिसमें सॉन्ग चलते रहते हैं, और देखो अंदर पार्टी हॉल है, पार्टी हॉल भी मैं आपको दिखा दूंगा। और देखो एक एलईडी वहाँ लगे हुए हैं और एक एलईडी यहाँ लगे हुए हैं। सोफा सीट कवर देखो कितने मस्त बने हैं मेरे भाई, और क्या डेकोरेशन है, वाह भाई मज़ा आ गया। और सामने देखो भाई क्या लिखा हुआ है, भाई क्या बात है, क्या बात है। ओह क्या बात है भाई, यहाँ पे सारी सुविधा है, सारी सारी सुविधा है। यहाँ पे एक पार्टी हॉल भी है, अपने हिसाब से पार्टी करवानी हो इसको। और मेन्यूज वगैरह भी थोड़े बहुत लिखे हैं, फ्राइड मोमो, स्टीम मोमो, हॉट एंड सॉस सूप, चीज़ गार्लिक ब्रेड। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ मेन्यूज़ में है क्या। और सबसे बढ़िया बात लगती है मेरे को ये डिस्टेंस कवर करने का, देखो स्टैंड है कितना खूबसूरत है, यहाँ खड़े रहे 2 गज की दूरी के हिसाब से, भाई क्या बात है, क्या बात है। इस साइड वाला इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है। मैं आपको मेन्यूज में भी दिखा देता हूँ, पिज़्ज़ा में है, शेक्स में देखो क्या नाम लिख रखा है, शेक्सपियर, भाई क्या नाम बना रखा है भाई, पिज़्ज़ा है, शेक्सपियर है, लेट्स कूल डाउन, यहाँ पे सब कूल चीज़ मिलेगी, जैसे कि लेमन आइस हो गया, पीच आइस हो गया, वजन वर्ष हो गया, पीच वर्ष हो गया, मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। और इसमें दुनिया भर के मेन्यूज हैं, पिज़्ज़ा वगैरह देख लीजिए, और ये है गार्लिक एक्जॉटिक साइड्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, सैलड भी, वेज क्रंच हो गया, पनीर डाइट हो गया, पनीर क्रंच हो गया, क्या बात है, इतने सस्ते में मिल रहे हैं, मतलब कि और क्या चाहिए आपको भाई। और ये बर्गर्स में हो गए, पास्ता लविस्ता में हो गया, सैंडविचेस में हो गया, रैप्स में हो गया, सब्स में हो गया, हॉट कॉफी में हो गया, गार्लिक ब्रेड में हो गया, सैंडविचेस, पास्ता लविस्ता, क्या बात है, क्या नाम रख रखे भाई, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अभी एक ऑर्डर लेता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको वो कौन सा ऑर्डर है। अभी मैंने एक वाइट सॉस पास्ता का ऑर्डर दिया है, तो देखते हैं कैसे बना होता है, कितना लजीज होता है, आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, प्लीज़ आप देखना जरूर पूरी। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, और ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर देना यार, थैंक यू। क्या बात है, और ये मेरे हाथ में आ चुका है वाइट पास्ता, वैसे मैं भी टेस्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसा लगा। भाई बहुत गर्म है इसलिए मैं थोड़ा आराम से खा रहा हूँ भाई, बहुत ही लजीज पास्ता बनाया है आज की वीडियो पर। सकते हैं हाँ, इसका एड्रेस मैं बताता हूँ आपको, ये आप अंदर आओ शिव चौक के अंदर आओ, गांधी चौक के सामने पर्सल हॉस्पिटल के साथ में है बिल्कुल, ग्रिल मास्टर। तो आप कभी आइए और खाइए जरूर, ग्रिल मास्टर के मेन्यूज एक से एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और रीजनेबल रेट में है, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको टेस्टी भी लगेगा, आप एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। तो वीडियो के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही दिखाना था मैं आपको, और मैं पार्टी हॉल फिर कभी दिखा दूंगा, तो आप आना ज़रूर। ग्रिल मास्टर नाम है रेस्टोरेंट का, ये गांधी चौक के पास पड़ेगा, ठीक है। वीडियो के लिए थैंक यू देखने के लिए, और आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, थैंक यू।